हेलो दोस्तों, ई डेरे के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आइसक्रीम की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और साथ ही आइसक्रीम की शुरुआत कैसे हुई और किस प्रकार हुई और इसमें डेवलपमेंट कैसे हुई उसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार आज के समय में आइसक्रीम के बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, उसी प्रकार आइसक्रीम की हिस्ट्री से रिलेटेड भी बहुत सारी कहानियाँ भी हैं। दोस्तों, आइसक्रीम की शुरुआत आज से करीब 2500 वर्ष पहले हुई। दोस्तों, 500 बीसी से 400 बीसी पूर्व फारसी साम्राज्य के अमीर व राजा लोग बर्फ में अंगूर व अन्य फल के जूस को मिलाकर खाया करते थे। और दोस्तों, 323 से 356 बीसी के मध्य अलेक्जेंडर द ग्रेट भी बर्फ के साथ शहद व नेक्टर, जो कि फूलों का रस होता है, उसको मिलाकर पिया करते थे। और 200 बीसी पूर्व चाइना के शाही खानदान के लोग भी बर्फ में दूध व चावल मिलाकर खाया करते थे। AD 54 से 86 में रोमन अम्पायर नीरो क्लेडियस सीजर अपने लोगों को पहाड़ों में बर्फ लाने के लिए भेजते थे और उस बर्फ में फूलों का रस मिलाकर खाया करते थे। लगभग 1500 से 1600 सी के मध्य इटालियन मार्को पोलो एशियन देशों में एक यात्रा के लिए आए। इन्होंने चाइना में वाटर आइस के बारे में जाना, फिर वापस इटली जाकर इन्होंने वाटर आइस के बारे में बताया, जो शरबत जैसी ही होती है। 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के लोग भी कुल्फी जैसी चीज खाया करते थे। 17वीं शताब्दी में चार्ल्स स्वन ने पहली बार क्रीम आइस नाम दिया, जो बाद में बदलकर आइसक्रीम हो गया। 18वीं शताब्दी में अमेरिका में पहली आइसक्रीम फैक्ट्री बनी, जिसके बाद आइसक्रीम न केवल अमीर लोगों के लिए बल्कि यह एक पब्लिक ट्रीट बन गई और हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध होने लगी। दोस्तों, पहले आइसक्रीम बनाने के लिए कोई फ्रीजर नहीं होते थे। उस समय लोग पहाड़ों से बर्फ इकट्ठा करके आइसक्रीम बनाते थे। फिर लोग लंबे समय के लिए बर्फ में नमक डालकर आइसक्रीम को पिघलने से बचाने लगे। सन 1846 में नैन्सी जॉनसन ने पहला हैंड क्रैक्ड आइसक्रीम फ्रीजर बनाया। सन 1874 के आसपास आइसक्रीम सोडा पॉपुलर हुआ। फिर 1896 में पहला आइसक्रीम कोन बना, जिसे इटैलो मार्चियोनी ने बनाया। भारत में सन 1948 में मुंबई शहर में पहली आइसक्रीम फैक्ट्री बनी। सन 1984 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने जुलाई को नेशनल आइसक्रीम मंथ बनाने को कहा और जुलाई के तीसरे रविवार को नेशनल आइसक्रीम डे बनाया जाने लगा। अब 21वीं शताब्दी में दुनिया भर में बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक आइसक्रीम एक पॉपुलर डिजर्ट बन चुकी है। आज के समय में आइसक्रीम के बहुत सारे फ्लेवर, जैसे वनीला, चॉकलेट, नट्स, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल इत्यादि उपलब्ध हैं। दोस्तों, अलग अलग देशों में आइसक्रीम की अलग अलग पसंद होती है, जैसे भारत में कुल्फी, जापान में मोची, इटली में जिलेटो, तुर्की में डोंडोरम, इजराइल में हलवा इत्यादि। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।